विश्व के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। विश्व रेबीज दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता अभियान है जिसे ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल द्वारा समन्वित किया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यालय वाला एक गैर लाभकारी संगठन है। रेबीज दिवस को लुई पाश्चर की मृत्यु की वर्षगांठ पर मनाया जाता है, जिन्होंने अपने सहयोगियों के सहयोग से पहला प्रभावकारी रेबीज टीका विकसित किया था। इस दिवस का उद्देश्य मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जोखिम वाले समुदायों में बीमारी को रोकने के तरीके के बारे में जानकारी और सलाह प्रदान करना है। रेबीज दुनिया के कई देशों में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। पागल कुत्तों के काटने से होने वाली 99% से अधिक मौतें विकासशील देशों में होती है। विश्व रेबीज दिवस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मनाया गया। इस सिलसिले में द्वीप समूह के विभिन्न पशु चिकित्सा अस्पतालों, पशु चिकित्सा क्लिनिकलों और औषधालयों में कार्यक्रम आयोजित हुए। गारा चरमा के पशु चिकित्सा अस्पताल में रेबीज दिवस पर टीकाकरण अभियान रखा गया। इस सिलसिले में द्वीप समूह के विभिन्न चिकित्सा अस्पतालों, पशु चिकित्सा क्लिनिकलों और औषधालयों में कार्यक्रम आयोजित हुए। गारा चरमा के पशु चिकित्सा अस्पताल में रेबीज दिवस पर टीकाकरण अभियान रखा गया। मैं सादा उत्तर पत्र का अच्छा मैं साथ हैं। हाँ मैं सादा बढ़िया ठीक है। ऐसे भी कुत्ता किसी को काटता है तो उसको रेबीज हो जाता है, तो इंसान को बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो जहाँ तक एक केस है कि सुना है कि इसमें आदमी पागल की तरह हो जाता है, बहुत देर तक इसका ट्रीटमेंट चलता है। अगर नहीं ट्रीटमेंट हुआ तो आदमी का डेथ भी हो सकता है, इसलिए रेबीज का इंजेक्शन लगाना डॉगी के लिए बहुत फायदेमंद है। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हम रेगुलरली यहाँ 3-4 साल से आ रहे हैं। बहुत अच्छा स्टाफ भी बहुत अच्छा है और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। अस्पताल की वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर बलजीत कौर ने दूरदर्शन से बातचीत करते टीकाकरण के मकसदों के बारे में विस्तार से बताया और पालतू पशुओं के मालिकों से अपील की वे रेबीज बीमारी को दूर रखने के लिए टीकाकरण करवाएं। वर्ल्ड रेबीज डे को हम सब मनाने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसमें हमारे साथ में पेट्स डॉक्टर बर्धन सर, उनके इंचार्ज है, वो भी आए हुए हैं। हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताना चाहेंगे कि 28 सितंबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे, और इसमें हम हमारे जो लुईस पाश्चर केमिस्ट है, फ्रेंच केमिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उनके डेथ एनिवर्सरी के रूप में इसको मनाया जाता है। तो उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन रेबीज का तैयार किया था, तब से लेके ये लगातार हम बहुत ही सेफ वैक्सीन जो उन्होंने बनाई है उसको लेके हम चलते रहते हैं और अच्छी तरह से वैक्सीन करते हैं हर साल, और पेट्स को ऐसे भी करते हैं। तो उनकी अहमियत यही है वैक्सीन के कि बहुत सारे डॉग प्रोटेक्ट हो जाते हैं इसमें और रेबीज से उनको खतरा नहीं रहता। रेबीज जो है एक बहुत ही जूनोटिक और फैटल डिजीज़ है जो कि वायरल डिजीज़ है। इसमें लिसा वायरस मेन वायरस है जो कि रेबडो वायरस वायरेडी फैमिली से बिलोंग करता है, और इसमें रेबीज के जो रेबिड डॉग हो जाता है, जो डॉग के जो बाइट करने से उसके बाद में ये हो जाता है। तो हम लोग वैक्सीन करवाते हैं, पब्लिक आम पब्लिक जो ह्यूमन बींग है इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से इसमें ह्यूमन बींग में जानते हैं, जबकि डॉग में हम लोग रेबीज करके ये ट्रीटमेंट करते हैं। दो तरह का रेबीज डॉग में पाया जाता है, एक तो फ्यूरियस टाइप होता है सर, और एक ये हमारा पैरालिटिक टाइप होता है। फ्यूरियस टाइप में बहुत ही हाइपर हो जाता है डॉग और एनिमल जो
जो भी जिस वो ये रहते, तो इवन वो अपने मालिक को ही काटने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरा जो पैरालिटिक है उसमें पैरालिसिस हो जाता है, इसमें इसका स्पाज्म होता है, गले से पानी अंदर लेना मुश्किल हो जाता है और उसके बाद में कोमा स्टेज में जाके डेथ हो जाता है। ये जो है हम लोग वैक्सीन करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसको, लेकिन स्ट्रे डॉग जो है स्ट्रे एनिमल में ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं। दूसरे तो ऑनर डॉग में तो हम लोग वैक्सीन लगातार करते रहते हैं तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं। तो हम यहाँ से आज आपके देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं, पेरेंट्स भी आए हुए हैं, पेट ऑनर्स आए हुए हैं, उनको यही बताएंगे हम कि ये जो वैक्सीन है ये बच्चे लगवाते नहीं हैं। और जैसे माना कि डॉग ने बाइट कर दिया, रोड में जाते थे या स्कूल जाते थे उनको बाइट कर दिया, तो घर में जाके बताते नहीं हैं। तो पेट ओनर्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सबको बताएंगे, बच्चों को भी इसके बारे में समझाएंगे जैसे कि, और क्योंकि ये आइलैंड हमारा बहुत ही डिजीज़ फ्री है, फ्री स्टेटस, रेबीज़ फ्री स्टेटस डिक्लेयर भी किया हुआ है, यहाँ पर रेबीज़ है नहीं, फिर भी हम लोगों को पेट ऑनर्स को और अवेयरनेस के लिए ये वैक्सीन करते हैं आज और हर समय करते रहेंगे। हमारे साथ में जो है डॉक्टर बर्धन सर पेट पेनिसिया क्लिनिक से हैं, वो उनका हम बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने फ्री वैक्सीन आज हमारे को सप्लाई किया है और हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पेट्स को हम वैक्सीन दे सकेंगे। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक ये खबर पहुँचे और लोगों की जो जानलेवा ये बीमारी है रेबीज से उनको टीकाकरण करके बचाएंगे। लोग थ्रू रेबीज अगर हम पेट्स को करेंगे तो हमारी लाइफ इवन ह्यूमन के लिए भी अच्छी ये कर प्रोटेक्शन होगा और इवन पेट्स के लिए भी प्रोटेक्शन होगा। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। सर आप देख रहे हैं कि आज अच्छी तरह हमने लगभग 50 वैक्सीन का टारगेट रखा होगा और उससे भी ज़्यादा आएंगे तो हम करने को तैयार हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये लोगों तक पहुँचे यही हमारा आज का उद्देश्य रहेगा। सेवानिवृत्त वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के बर्धन ने रेबीज के कारणों और उसके लक्षणों के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। रेबीज ये ऐसा बीमारी है जो कोई भी वार्म ब्लड जानते हैं ना, वार्म ब्लड एंड कोल्ड ब्लड, जो भी जैसे हम लोग घूमते हैं इधर से, जानवर हुआ, आदमी हुआ, कुछ भी हुआ, उस सबको ये बीमारी हो सकता है, रेबीज है। ठीक है, ये रेबीज से हो सकता है। ये आज का दिन है, लुईस पाश्चर का डेथ एनिवर्सरी है, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेबीज डे कर लिए। ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन, अगर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो ट्रीटमेंट इज़ ओनली वन प्रिवेंशन। ठीक है, जैसे आपको काट लिया, कोई डॉगी काट लेता तो देर आर प्री एक्सपोजर एंड पोस्ट एक्सपोजर, तो प्री एक्सपोजर भी यही वैक्सीन है, पोस्ट एक्सपोजर भी यही वैक्सीन है, खाली इसको अलग अलग, जैसे पोस्ट प्री एक्सपोजर है आप 3 महीना के ऊपर कभी किसी को लगा सकते हैं, देन जैसे मेनलैंड में इसका बूस्टर लगाते हैं, यहाँ में बीमारी नहीं है, दिस आइलैंड्स आर फ्री फ्रॉम रेबीज, यहाँ रेबीज नहीं है, तो हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं कि जाके आगे जाके ना रहे बोल के। ठीक है, तो ये रेबीज ये हो जाएगा, दिस इज़ प्री, अगर काट लिया तो फिर हम लोग फिर वही जैसे ह्यूमन में रिज्यूम, इसका एक रूटीन है उसको करना पड़ता है, जैसे 0, 3, 7, 14, 28 बच जाता है, अदरवाइज इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, तो आपको बचाना है और डेथ तो होगा ही, वो भी आप लोग सुना होगा, पानी नहीं पी सकता, ये सर लैरिंग्स वगैरह ये सारा पैरालाइज हो जाता पानी, तो हाइड्रोफोबिया बोलता है, एरोफोबिया, हवा देख के डरेगा, कोई भी चीज़ से डरेगा, डिस्टर्ब रहेगा, वो सिर मारते रहेगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम सारा आएगा। ठीक है, तो इसको बचाना है तो प्रिवेंशन इज़ द ओनली वे, प्रिवेंशन कैसा होगा, वैक्सीन से होगा। इसी प्रकार के कार्यक्रम जंगली घाट के पशु चिकित्सा अस्पताल में भी रखा गया। इस अस्पताल के चिकित्सक और सहयोगी कर्मचारी अत्यंत व्यस्त दिखाई दिए। पालतू पशुओं के मालिक जागरूक होकर अपने पालतू पशुओं को टीका लगाने के लिए अस्पताल पहुंचे। इस बारे में पशु चिकित्सा अस्पताल के पशु चिकित्सक डॉक्टर के मोहम्मद ने दूरदर्शन से बातचीत की। रेबीज डे मना रहे हैं,
सारे वर्ल्ड में इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड रैबीज डे। हमारे भारत में भी सब जगह में मनाया जाता है। ये 28 सितंबर का जो डेट है इसी दिन हम लोग मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं, इसके कारण है क्योंकि हमारे ग्रेट फ्रेंच साइंटिस्ट था लुईस पास्टर बोल के, उनका निधन आज हुआ है। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है कि उन्होंने ये जो रैबीज डिजीज जो है इसका वैक्सीन का आविष्कार किया था। उनका जो डेथ या निधन ये दिन में हुआ है, इसलिए हम लोग उनका मतलब उनको कमेमोरेट करते हुए ये दिवस को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वाइड। ये जो रैबीज डिजीज़ है, सबको पता है कि रैबीज डिजीज़ क्या है, वायरल डिजीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जूनोटिक डिजीज़ है। ये फैलता कैसा है बोलने से, इसका फैलने का जो तरीका है वो बाइट से होता है, डॉग बाइट से होता है ज़्यादातर। ये ज़्यादातर मेनलैंड में इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक विजियस साइकिल बोल के है, वो जो उनका कंप्लीट होना है साइकिल, कंप्लीट होने के लिए उसमें जंगली जानवर होता है, जैसे फॉक्स है, जैकॉल्फ है जिसको लोमड़ी बोलते हैं, उनका बदन में पाया जाता है वायरस। वो अगर कोई जानवर को काट देता है तो कुत्ता को जैसा काटता है, वो कुत्ता किसी को भी अगर दूसरा जानवर को या आदमी को काटता है तो वो रैबिस लग सकता है। रैबिस बहुत फास्ट फैलता है, जितना मतलब ब्रेन का नज़दीक में काटेगा उतना जल्दी फैलेगा क्योंकि इसका जो सीट ऑफ प्रेडिक्शन है ब्रेन में है, ठीक है ना। जैसे अभी टांग में अगर काटता है, टांग में काटने से ब्रेन तक पहुंचने में तो टाइम लगता है, तो हम लोग को टाइम मिल वक्त मिल जाता। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब ड्रेडफुल डिजीज़ है। ये रैबडो वायरस से इसका जो नाम है दिया गया, बुलेट शेप का वायरस रहता है, इतना तेज़ी से फैलता है और इसका ब्लड ब्रेन बैरियर ये क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए कोई भी दवाई इसमें इफेक्टिव आज तक नहीं हुआ है, कोई दवाई नहीं बनाया। लेकिन ह्यूमन में पोस्ट बाइट वैक्सीन का एक कंसेप्ट है, जब भी डॉग काटता है तो उसमें काटने से हम लोग को क्या ध्यान देना है, रनिंग वाटर टेप वाटर में उसको क्लीन करना है, मतलब बहता हुआ पानी में हम लोग को धोना है। धोने से क्या होगा, इसका जो प्रकोप है थोड़ा कम हो जाता है, पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो ये डेथ भी हो सकता है वायरस। और जैसे अभी से लिम्स में वगैरह में काटता है तो फिर ब्रेन में पहुँचने में टाइम लग जाता, तो हम लोग को टाइम मिल जाता। और उसका पोस्ट बाइट जो वैक्सीन है वो हेल्थ डिपार्टमेंट उसको प्रोवाइड करता है, जो सर 0 डे है, 3 डे है, 7 डे है, 21 डेज, इस तरह करके जाते हैं, 90 डेज तक भी है। आजकल पोस्ट बाइट को और भी थोड़ा कम किया, 3 डेज कम भी करते हैं उस लोग, डिफरेंट लेकिन वो क्या उसका पैसा बढ़ता है, तो उस तरह पोस्ट बाइट वैक्सीन भी अवेलेबल है। हमारे जो जानवर में इसका इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी अगर रैबिट डॉग अगर कोई भी जानवर को काटता है तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें रैबिस है कि नहीं, करें कैसे पता करेंगे हम लोग, वो जो काटे वाला डॉग को हम लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ये इस, वो अगर उसमें रैबिस है वो बराबर 10 दिन में डेथ हो जाएगा उसका। तो हम लोग को वो वाला चीज़ देखना है कि ह्यूमन में भी अगर वो डॉग काटता है तो डॉग को हम लोग वॉच कर रहे हैं, अगर वो 10 दिन में डेथ हो जाता है तो हम लोग को ये मालूम हो जाएगा कि उसमें रैबिस था करके। यहाँ जो हमारे जो अंदमान में है ये रैबिस अभी तक 0 है, 0% है अभी तक, ये रैबिट डिजीज़ यहाँ आया नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग बहुत ही मतलब लकी है हम लोग, क्योंकि हम लोग मेलैंड से 2000 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है, तो इसलिए इसका प्रकोप अभी तक यहाँ में नहीं देखा गया है। लेकिन मेलैंड से हर फ्लाइट में देखेंगे आप, पेट्स को लेके आने का प्रथा है, तो पेट्स को लेके आ रहे हैं तो पेट्स में अगर कोई वैक्सीनेटेड केसेस अगर आ जाता है तो फिर वो मुश्किल हो जाए। इसलिए हम लोग बहुत क्लोजली हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग एयरपोर्ट में मॉनिटर कर रहे हैं, सर्वेलेंस ड्यूटी कर रहे हैं, स्टाफ बराबर मौजूद रहता है और ये देखते हैं कि जो भी पेट्स आता है तो उसको हमने सबसे पहले उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल चेक करता है। अगर वो मेलन में अगर सपोज 21 डेज या 45 डेज में अगर दिया भी रहेगा, यहाँ में आने के बाद उसको एक बूस्टर डोज हम लोग देते हैं, फिर और एक बूस्टर डोज भी देते हैं ताकि ये इंश्योर करे कि इसमें अब नहीं होना चाहिए। अगर क्योंकि जो ब्रीड डॉग है मेलन से आता है उसमें ब्लड में हो सकता है, क्योंकि उसका अगर मदर में या उस पर पाया जाता है तो उसमें आने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए हम लोग मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं एयरपोर्ट वगैरह में ताकि ये डिजीज़ यहाँ पे ना आए। इसलिए आज तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग का इंतज़ार है, कभी भी हम लोग ध्यान देते हैं कि डिजीज़ ना आए। इसलिए पेट ओनर से भी हम लोग का ये रिक्वेस्ट रहेगा कि उनको भी मतलब ध्यान देना है कि जब भी वो पेट्स खरीदेंगे बाहर से तो उनको ये देखना है कि अगर मेलन से खरीद के लेके आए तो उनको ये देखना है कि वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी हद तक हम लोग देखते हैं कि लोग कभी कभी गुमराह करते हैं जो इसका वेंडर रहता है और गुमराह करता है पेट ओनर्स को कि वैक्सीनेटेड है, सारा वैक्सीन कंप्लीट हो गया। मैंने देखा है हमेशा कि जब भी हम लोग इनका जब तहकीकात करते हैं तो वैक्सीनेटेड है करके बोल देंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये वैक्सीन बचपन में दिया, बचपन में कभी इसका वैक्सीन नहीं होता, 45 डेज कम से कम इसका
होना चाहिए, तभी इसका वैक्सीन फर्स्ट डोज लगता है, उसके बाद बूस्टर डोज 21 डेज के बाद में देते हैं। रैबिस डिजीज़ का जो वैक्सीन है वो हम लोग 3 महीने का उम्र में देंगे, 3 महीना जब एज हो जाएगा तब हम लोग फर्स्ट डोज देते हैं, फिर उसका एक बूस्टर डोज महीना में देते हैं, उसके बाद फिर ईयरली उसको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन फॉरेन में ऐसा भी डोज है जो जिसका वैलिडिटी 3 साल तक भी रहता है, अभी आज एक वैक्सीन लगा दिया तो 3 साल में लगा सकते हैं उस तरह भी वैलिडिटी वाले। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। आज का जो थीम है, हर वर्ल्ड रैबिस डे बनाने हम लोग थीम चेंज करते हैं, अभी का जो थीम है ये रैबिस ब्रेकिंग रैबिस बैरियर या बाउंड्रीज, वो इम्पॉर्टेंट है। वो हम लोग कैसे करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे अंडमान के परिपेक्ष में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग को पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। हम देखेंगे रास्ता में भी बहुत सारा ये स्ट्रे डॉग है और लोगों के घर में भी है, तो हमें ये चाहिए कि उनको जब उनका जो स्टेज पहुंच जाते सर 1 साल का उम्र हो गया वो, तब हम लोग उसको ऑपरेशन कर दें ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा, तब भी क्या होएगा ये डिजीज़ आने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। उस तरह हम लोग इसका बैरियर्स को हम लोग रोक सकते हैं, ये रैबिस का वो दायरा को हम लोग रोक सकते। तो हमारे जितने भी यूनिट है सब जगह में वैक्सीनेशन भी करते हैं और ये हम लोग ऑपरेशन भी करते हैं, जिसको हम लोग पॉपुलरली हम लोग बोलते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल ऑपरेशन। प्राइवेट में भी करते हैं, जितने भी हम लोग गवर्नमेंट यूनिट है उसमें भी करते हैं, हॉस्पिटल सब जगह होता है, और यहाँ पर भी महीना में कम से कम एक 15 से 20 ऑपरेशन हम लोग हो जाता है। हम लोग कैसे भी इसका पॉपुलेशन कंट्रोल रखें, क्योंकि आप देखते हैं कि जो पेट्स है इसका पॉपुलेशन बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, 1 साल में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर देगा, इसलिए क्योंकि बच्चा कम से कम 6 से 7 बच्चा तो एक लीटर में इनका होता है, तो उस तरह अगर उसको आप देखेंगे वो अगर बढ़ेगा मल्टीप्लाई करे उस तरह करके बढ़ते जाता है। तो हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट अंडमान में जब पेट्स पालने वालों को मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप पेट्स लेंगे, जब उसका एज 1 ईयर का हो जाएगा, लड़का हो या लड़की, उसको ऑपरेशन करके उसको कंट्रोल में रखे ताकि ये डिजीज़ को हम लोग वहीं पर मेलन में ही रोक सके, यहाँ में ना आए। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग के निदेशक डॉक्टर के ए नवीन ने अपने पालतू पशुओं के मालिकों में देखभाल से जुड़े वस्तुओं को वितरण किया। दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने इस घातक बीमारी से निपटने में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वर्ल्ड रैबिस डे सारे विश्व में मनाते हैं और हम साथ साथ अंडमान निकोबार में मनाते हैं। आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार जो है रेबिस ज़ीरो रेबिस है, यानी इसमें यहाँ पे रेबिस का कोई डिजीज़ अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है। फिर भी हम लोग यहाँ पे मनाते हैं इसीलिए क्योंकि हमें डिजीज़ होने से पहले अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये डे हम आज सारा जितना हमारा वेटनरी हॉस्पिटल्स है, वेटनरी डिस्पेंसरीज है ऑल ओवर द टेरिटरी, नॉट ओनली इन साउथ अंडमान बट फ्रॉम डिगलीपुर टू कैंबल बे, हम लोग अब कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं ताकि हम पब्लिक में अवेयरनेस जगा सके, बना सके। जहाँ पे डिजीज़ नहीं है वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो हम अवेयरनेस करना चाहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और एक बार अगर डिजीज़ आ जाती है तो उसको प्रिवेंट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम ये स्टेटस ज़ीरो रेबिस स्टेटस खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम आज के इस माध्यम से और हम और भी प्रोग्राम्स करते हैं थ्रू आउट द ईयर, जैसे एनिमल वेलफेयर फोर्टनाइट करते हैं, डॉग शोज, डॉग वॉक्स, और ये जब हम रेबिस डे मनाते हैं तब भी हम ये मैसेज पहुंचाते हैं कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम सबको अपनाना चाहिए, जो पेट्स रखते हैं उनको करना चाहिए, जो पेट लवर्स है वो भी हमें मदद करे कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको पकड़ के लाएँ और अपना योगदान दे ABC प्रोग्राम सक्सेसफुल करने के लिए। ABC का साथ साथ हमको रेबीज़ वैक्सीन भी करना है, और जो पेट लवर्स है उनको हम बताते हैं कि नॉट ओनली रेबीज़ के साथ साथ में कैनाइन डिस्टेंपर और पार्वो का जो लेप्टोस्पिरा का जो वैक्सीन है वो करवाना चाहिए, ये अपना डिजीज़ बचाने के लिए। लेकिन ये जो रेबीज़ है ये एक बहुत बड़ा जूनाटिक डिजीज़ है, एंड बीइंग ए जूनाटिक डिजीज़ ह्यूमन में फैलेगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक में फैमिली मेम्बर्स ही आता है, तो अपना फैमिली मेम्बर्स को पहले बचाते हुए फिर बाकी पब्लिक जनरल पब्लिक एट लार्ज सब श्रोताओं को अनुरोध करता हूँ कि आपके पास अगर कोई पेट डॉग है तो उसको वैक्सीनेट करा लीजिए, उसका ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम करवा लीजिए, और आप कर चुके हैं तो फिर आप अपने पड़ोसी अपने दोस्त को भी ये बात फैलाइए। आज हमारा ये थीम है हमारा आज का वर्ल्ड रेबीज डे का, ब्रेकिंग रेबिस बाउंड्रीज। तो जो जहाँ पे रेबिस नहीं है वहाँ भी हमें ये खबर पहुँचाना है, दैट इज़ द थीम ऑफ दिस थिंग।